Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel Lovin with Badami, and today my topic is Path Perfect Continues. तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आज का हमारा टॉपिक है पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के मुतालिक है. तो हम पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के मुतालिक कुछ सीखेंगे. तो सीखने से पहले आप दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल लविन विथ बादामी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल को ऑल कर दें ताकि नए हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच जाए. तो पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जमान मारी बाई इस्तमरावी, इसका डेफिनेशन ये है अ वर्ब विच शोज दैट द एक्शन वाज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली इन पास्ट टाइम एंड वाज कंप्लीटेड इन डिस्टेंट पास्ट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ये फैल शो कर रहा है कि कोई काम माजी में शुरू जारी हुआ या शुरू हुआ और दूर माजी में मुकम्मल हुआ, तो उन्हें जमान माजी बाईद इस्तमावी कहा जाता है. अब यहाँ पे इसके जो है कुछ मेन पॉइंट्स हैं. पहला नंबर हमारा जो मेन पॉइंट है वो बता रहा है कि इस टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इस्तेमाल होता है और फैल कि फोर्थ फॉर्म यूज़ होता है. फोर्थ फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जहाँ भी आए, खाली पास्ट कंटिन्यूस हो, खाली फ्यूचर कंटिन्यूस हो, या खाली प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, या परफेक्ट के साथ भी कंटिन्यूस हो, तो हमारा जहाँ फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग लगेगा तो फोर्थ फॉर्म लगेगा, इस्तेमाल होगा. तो हमारा दूसरा नंबर है ये जमान ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो माजी में बहुत जल्द मुकम्मल हुए थे. नंबर थ्री हमारा जो है इस टेंस पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस और फॉर भी इस्तेमाल होते हैं. सिंस पॉइंट ऑफ टाइम या टाइम मुकर्रर के वक्त को जाहिर करता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम जो मुकर्रर टाइम ना बताए. सिंस हमारे वो वहाँ पे इस्तेमाल होगा जहाँ मुकर्रर टाइम बताए, जैसे कि मैं सब उसे लेक्चर दे रहा हूँ, मैं 2 कलाक से लेक्चर दे रहा हूँ. तो इसमें जो 2 कलाक वाला हुआ उसमें हम फॉर लगाएंगे क्योंकि मुकम्मल अरसा नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है. मैं सब उसे लेक्चर दे रहा हूँ तो वो मुकर्रर टाइम बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, तो हम वहाँ पे सिंस इस्तेमाल करेंगे. जो मुकर्रर वक्त बताए वहाँ पे हम सिंस इस्तेमाल करेंगे, जो पीरियड ऑफ टाइम बताए वहाँ पे हम फॉर इस्तेमाल करेंगे. अब हमारा कंस्ट्रक्शन जो जगह इस जुमले का हम इसका जो है तरीका देख के हम जुमले बनाएंगे. तो पहले पहले हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का है. तो पहले पहले हम सबसे मुराद, पहले भी मैं आपसे बता चुका हूँ कि सबसे मुराद सब्जेक्ट और एच से मुराद हेल्पिंग ऑब्लिक वी से मुराद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वी से मुराद वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ओ बी से मुराद ऑब्जेक्ट. हमारे नेगेटिव का भी ऐसा है, थोड़ी सी बस चेंजिंग है उसमें, नॉट आ जाता है. ये आ का भी जुमला है अफर्मेटिव का और वो ना का भी जुमला है, तो नॉट उसमें आ जाता है, बाकी सेम है. तो पहले पहले हमारा सारा सेम जो है सब्जेक्ट प्लस में जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस में हेल्पिंग वर्ब, हमारा इसका जो है हैड बीन, पीछे बताया था मैंने, हैड बीन प्लस में वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, आगे सेम है, सिर्फ नॉट इसमें आता है, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें प्लस नॉट होता है. हमारा जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो है सेम है, इसमें सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग है
पहले पहले उसका हेल्पिंग वर्ब आ गया जाएगा और आखिर में जो है क्वेश्चन मार्क की निशानी हम देंगे, तो हमारा जुमला सवाली में बन जाएगा। तो पहले पहले जो है सब्जेक्ट वाली जगह पे हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वाले वर्ब वाले जगह पे हमारा सब्जेक्ट आएगा, प्लस में जो है वर्ब का सेम फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे जो है कुछ सेंटेंस लिखे हैं और एक सेंस का भी और एक फार का भी हम आपको बताएंगे। तो पहला पहला नंबर हमारा जो सेंटेंस है वो ये है, शी हैड बीन लविंग विथ मी, वो मुझसे प्यार कर चुका होगा, गुजश्ता वक्त है, बहुत गुजश्ता है, गुजर चुका है। शी हैड बीन लविंग विथ मी जो है, शी जो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैड बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लविंग जो है हमारा वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म है, विथ मी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारा नेगेटिव का सेंटेंस भी ऐसा है, थोड़ी सी सिर्फ इसमें चेंजिंग है कि इसमें नॉट का जो है इजाफा होता है। तो शी हैड नॉट बीन लविंग विथ मी, शी हैड और बिन के बीच में हमारा जो है नेगेटिव का नॉट इस्तेमाल होगा, ये याद रखिएगा एक बात, बीन लविंग विथ मी, क्या वो मुझसे प्यार ना कर चुका होगा। हमारा अब इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव का सेंटेंस भी सेम है, सिर्फ इसका जो है हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, हैड उसके बाद सब्जेक्ट है, वो उसके बाद बीन प्लस वर्ब का था फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब है, मीनिंग है कि क्या वो मुझसे प्यार कर चुका होगा, ये जो है सवाल ही है, इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा और आखिर में जो है हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब हमारा जो है सिंस का एक जुमला हमने लिखा है कि आई हैड बीन वॉकिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से रोड पे वॉक कर चुका हूँगा, मैं सुबह से रोड पे वॉक कर चुका हूँगा, यह गुजश्ता बात है। कि यहाँ पे अब सेंटेंस खुद बता रहा है कि यहाँ पे माजी की बात कर रहे हैं, माजी की के मैं सुबह से रोड पे वॉक कर चुका हूँगा, ये माजी की बात कर रहे हैं, ये जाहिर बात है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग बता रहा है, तो यहाँ पे हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। ही हैड बीन फाइटिंग विथ अली फॉर 2 आवर्स, वो अली से लड़ाई कर चुका होगा 2 घंटे से, मतलब ये माजी में लड़ाई कर चुका होगा 2 घंटे से, तो इसका जो है पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहे, पीरियड ऑफ टाइम बता रहे, इसलिए हमने फाव इस्तेमाल किया है। आज का हमारा क्लास कंप्लीट, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ बादामी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल को ऑल कर दें। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।